गठबंधन की सरकार बनने के बाद झारखंड में मधुपुर का उपचुनाव तीसरा उपचुनाव है। दो उपचुनावों में गठबंधन ने जीत दर्ज की है, वहीं बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया है। एक तरफ गठबंधन जहां जीत की हैट्रिक लगाने पर आमादा है, तो वहीं बीजेपी किसी भी हाल में यह सीट अपने खाते में करने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। बीजेपी से गोड्डा सांसद के संसदीय क्षेत्र में मधुपुर विधानसभा पड़ने से निशिकांत दुबे भी चुनाव में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। ज्यादातर दिल्ली में रहने वाले निशिकांत उपचुनाव को लेकर अपने संसदीय क्षेत्र गोड्डा में कैंप किए हुए हैं। निशिकांत दुबे ने शनिवार को एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 2009 के मधुपुर विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी अभिषेक झा को हराने वाले चेहरे फिर से 2021 में सक्रिय हो गए। इन बहुरूपियों को चिन्हित कर बाहर का रास्ता दिखाना ही बेहतर होगा। सांसद निशिकांत दुबे की बात से यह साफ हो गया कि वे मान रहे हैं कि मधुपुर उपचुनाव में बीजेपी में भीतरघात हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि यह भीतरघात कर कौन रहा है? क्या निशिकांत दुबे राज परिवार की ओर इशारा कर रहे हैं या फिर उनके निशाने पर कोई और है? राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि निशिकांत दुबे राज परिवार को पसंद नहीं करते हैं और इसलिए उनका टिकट कटा। साथ ही यह भी चर्चा है कि गंगा नारायण सिंह को टिकट दिलवाने में निशिकांत की भूमिका अहम रही। शनिवार को निशिकांत दुबे ने फेसबुक पर भी एक पोस्ट किया है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी में जबरदस्त हंगामा मच गया। यानी एक तरफ जहां निशिकांत दुबे अपनी ही पार्टी में फूट की बात कर रहे हैं, वहीं वे ये भी कर रहे हैं कि गठबंधन में भी फूट होने वाली है। उन्होंने फूट होने की तारीख भी तय कर दी। इस बयान के बाद गठबंधन की तरफ से समन्वय समिति के सदस्य राजेश ठाकुर ने कहा है कि निशिकांत की तरफ से किया गया ट्वीट इस बात की ओर इशारा करता है कि बीजेपी हार की हैट्रिक की ओर अग्रसर है। जहां तक बात भगदड़ की है, तो इस तरह की बात को वो ज्यादा तवज्जो नहीं देते। वहीं जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि जब देश के प्रधानमंत्री ये झूठ बोलते हैं, तो बीजेपी के किस नेता की बात पर भरोसा किया जाए? न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।